ग्राम बड़े भैया लेबल वाला पाइप दे दीजिए तो हमें, खाली एक मीटर दीजिएगा, तेल निकालना है। भैया कोई एक बिस्लेरी का खाली बॉटल दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वाह क्या बात है, मिल तो गया बॉटल। अब गाइस चल रहा है कहीं कहीं खाली जगह देख के गाड़ी रोकेंगे और वहीं पर निकालेंगे इसका फ्यूल। हेलो फास्टर फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारे पास है KTM RC 390 VS4 वर्जन। एंड आज हम इसका करेंगे माइलेज टेस्ट, और सिर्फ हाईवे माइलेज टेस्ट करेंगे, और सिटी हाईवे एंड कंबाइंड सिटी माइलेज टेस्ट नहीं करने वाले हम, सिर्फ और सिर्फ हाईवे टेस्ट करेंगे। को पता है कि कंपनी अभी इसको डिस्कंटिन्यू कर दी है, फिर भी इस गाड़ी का इतना डिमांड है, लोग सेकेंड हैंड के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सेकेंड हैंड अगर VS4 KTM 390 मिल जाए तो हमें हम उसको ले लेंगे। अभी युवाओं का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अभी इसका जो डिमांड है, जो नई वाली VS6 वेरियंट आई है उससे कहीं ज़्यादा इसका डिमांड है अभी मार्केट में, और अभी भी लोग चाहते हैं इसका माइलेज टेस्ट देखना। इसको इसका हम अब फ्यूल निकालने की तैयारी कर रहे हैं। Sony right baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck. That's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back. अभी हम 1 लीटर और ये छोटा वाला बोतल, इतना हम फ्यूल इसमें से निकाल लिए हैं, और अभी इसमें थोड़ा बहुत बचा होगा फ्यूल, तो उसको पहले चला के हम फ्यूल जलाएंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर इसको हम इसमें डालेंगे। 9:39 टाइम हो रहा है और फ्यूल इसमें एकदम नहीं दिखा रहा है। गाइस देख लीजिए आप लोग, 14,740 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है अभी, और अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें फ्यूल है या नहीं है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल है, तो पहले उस पेट्रोल को हम खर्च करेंगे, जला देंगे, पहले उस पेट्रोल को हम ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा पेट्रोल हम इसमें डालेंगे। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये FI गाड़ी है और इसका फ्यूल पंप जलने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है लो फ्यूल में। फ्यूल पंप जल जाएगा तो हम क्या ही करेंगे, आप लोगों के लिए तो करना ही पड़ता है यार। वाराणसी सिंधौरा लखनऊ, क्या बात है। फ्यूल पावर निकल चुका है गाइस, हम इस समय यहाँ से देखो, हमें गोफरों का इंतजार बहुत बेसब्री से है, और जिस दिन मेरा गोफरो आ गया ना बाबूजी, ये तो पूछो ही मत, कैसे चला रहे हो यार, खो जाओगे बाबू, खो जाओगे, इसे पंगा मत लो। ऐसे गाड़ी भागती है तो दिल खुश हो जाता है गुरु, ऐसे हमें लगता है कि हम भाई बहुत बढ़िया चूस किए भाई, हमें नहीं लगता कि हम गलत गाड़ी ले लिए। अब मेरी गाड़ी झटके देने शुरू कर दी है, और ये बीच में ना बंद हो जाए और थोड़ा ट्रैफिक से बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर ये बंद हो, लेकिन हमें लग रहा है कि बंद हो जाएगी क्योंकि 2-3 बार झटके दे दी, और अभी है थोड़ा बहुत है पावर, और यहाँ पर सब चल चुका है। 14,775 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और ये है पूरा का पूरा 1 लीटर तेल जो हम इसी गाड़ी में से निकाले थे, और इसी में फिर से हम डालने जा रहे हैं, और एक डब्बा मेरे पास और है, ये इमरजेंसी के लिए है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे जगह, जिस जैसे जगह पर ख़त्म हुआ है, अगर ऐसे जगह पर ये भी ख़त्म हो जाएगा तो मेरा मुझे ये संभालेगा, ये काम करेगा।
और ये एकदम सही सब गया। अब इसको कर देते हैं बंद। अब इसको लगाते हैं। और अब बचा ये मेरे पास इमरजेंसी वाला तेल। और अब हम सीधे निकलेंगे घर के लिए और रास्ते में जहाँ बंद होगी गाड़ी वहाँ ये फ्यूल डाल के आपको दिखाएंगे, फिर चलेंगे फ्यूल अप कराएंगे। और गाइस देख लीजिए 14,776 किलोमीटर आप देख लीजिए। और स्टार्ट हो चुकी है, अब हम चल रहे हैं। और हंड्रेड के नीचे ही रहेंगे, हम हंड्रेड के नीचे ही रहेंगे, उससे ऊपर जाने नहीं जाएंगे। और लगातार चलाएंगे जब तक गाड़ी मेरी बंद ना हो जाए। पा सकते हैं, कभी नहीं पाएंगे। क्यों आप परेशान? देखिए 80 के स्पीड चल रही गाड़ी। जरा भी चाहेंगे तो निकल जाएंगे। 1900 की सुन चलेगी गाड़ी। और सब कुछ करना होता है, तो यही कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है। अब आपको क्या बताएं हम। हल्का फुल्का भीच घाच भी ले, क्योंकि अब तो वीडियो एंड करने का समय हो चुका है। अब मेरा प्रयास रहेगा, अब मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो आपको रेगुलर दें हम। और अभी से प्रॉब्लम है भाई लोग, थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई लोग। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास अभी मेरा सेटअप तैयार नहीं हो पा रहा है। देखिए 110 ना 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 ना, मेरे को जान से नहीं खेलना गुरु। दो नंबर में 80 बेस्ट। सब मिला जुला के मेरी गाड़ी अभी 10 किलोमीटर चली है। अभी 10 किलोमीटर चली है, अभी जितना चली उतना चलने का और उम्मीद है। और मुझे डरना नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा तेल है, तो उस तेल से तो खैर हम संभल ले जाएंगे। और आ चुके हैं अपने फेवरेट जगह पे, और यहाँ पर कोई गाड़ी, कोई हल्ला, कोई शोर शराबा नहीं है। और गाइस थोड़ी सी ऑफ रोड मिल गई है अभी, फिर लेकिन हम लोगों को मिल जाएगा फ्रेश रोड।
इसको कहते हैं पावर। यहीं पे तो बैठे थे हम, यहीं पर बैठे थे और वीडियो बनाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है ये। गाड़ी टोटल 20 किलोमीटर चल चुकी हूँ। वो हो क्या बात है, क्या बात है, आप सही लोगों के लिए तो कर रहे हैं गुरु। गाड़ी झटके देने शुरू कर दी है। और गाइस अब गाड़ी बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, अब गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना क्या कर रही है। और टोटल चल चुकी है 14,804 किलोमीटर, 14,804 किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है और पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है, स्टार्ट होती है या नहीं होती है, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं किलोमीटर। और ऐसी जगह गाड़ी बंद हुई है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, एक अंकल हैं, उनकी छोटी सी दुकान है और यहीं पर छाँव में बैठेंगे और यहीं पर कैलकुलेट करके आप लोगों को बताएंगे। देख लीजिए, पहली बार चालू किया बंद हो गई, अब दूसरी बार देख लेते हैं, दूसरी बार भी बंद, अब इसको स्टार्ट करेंगे नहीं, अब इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। और 14,804 किलोमीटर, अब यहीं पे आप लोगों से बात करते हैं। अभी टोटल गाड़ी चली है 14,804 किलोमीटर, इसमें से 14,776 किलोमीटर हम माइनस करेंगे तो बचेगा टोटल 28, यानी कि आप लोगों के सामने है 28 किलोमीटर का एवरेज गाड़ी दे रही है और ये काफ़ी अच्छा माइलेज निकल के आया है सामने। और हम तो सोच रहे थे कि 20-21 होगा माइलेज, लेकिन मेरा परफेक्ट माइलेज यही है 28 किलोमीटर। अगर थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया चलाते तो हमें लग रहा है कि 30 का माइलेज दे देती। अब हिम्मत नहीं है भाई लोग, अब वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको हाईवे एंड सिटी कंबाइंड माइलेज आपको चाहिए तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको दे देंगे। और तब तक के लिए टेल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और खाते पीते रहो, स्वस्थ मस्त रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।